चलिए अब चलते हैं जनरल क्वेश्चंस में। इसको एक बार रोक रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे। अब इसने कहा, ये है एक्चुअल में रीजनिंग। ही सेड इलीनेस इज रिलेटेड टू क्योर। इन द सेम वे हाउ यू रिलेट ग्रीफ। हां जी एवरीबॉडी, हाँ बोल सकते हैं आप आंसर। सो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, चेक कर लो। मेरे ख्याल में तो हैप्पीनेस से कुछ और वर्ड आएगा। सर एक्सटेसी भी हैप्पीनेस का ही मतलब सिनोनियम है। है तो सिनोनियम, बट हमने लेना है बेस्ट। देखो एलिनेस का आ गया क्योर, मतलब ठीक हो गया। अब ग्रीफ का क्या आएगा? ग्रीफ के बाद जरूर थोड़ा बच्चा हैप्पी, ग्रीफ जब चला जाएगा तो डेफिनेट ऐसा थोड़ा होगा कि वो हैप्पी हो जाए। सर कंसोलेशन, नहीं नहीं इसका जो बेस्ट पार्ट आएगा बच्चे वो क्या आएगा? रेमेडी। हालांकि ये बड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी इन दैट पार्ट हम इसको क्या लिखेंगे? रेमेडी। गॉट माय पॉइंट? अब yes, अब आइए, अब ये तो आप कर दे। थर्ड इल्यूजन, 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 जेन्युइन का क्या होगा? सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें जल्दी से। जेन्युइन का क्या होता है बच्चे? ऑथेंटिक होता है, आप सबको पता है, होता है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? मिराज का सिनोनिम क्या होगा? इल्यूजन, इल्यूजन होगा। अब आइए इसके बाद ही फोर्थ है, सर डार्क, थंडर का क्या आएगा? डार्क रेन। ध्यान से देख लो बच्चे, फोर्थ वाले हाँ जी बच्चे, थंडर इज इमीडिएटली फॉलोड बाई क्या होता है? रेन। तो सिमिलरली आप ये शायद भूल रहे हैं, इसके पहले लगना है नाइट। किसके बाद आती है? डे, इवनिंग के बाद। डस्क आएगा बच्चे, क्या कर रहे हो सब? डस्क और इवनिंग तो सेम मीनिंग हुआ बिल्कुल, बट उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा? इवनिंग आप किसको लगो? सर इवनिंग जैसे सर डस्क हुआ कि जब सनसेट हो गया उस टाइम। हाँ तो बस फिर उसके बाद ही क्या आती है? नाइट आती है ना? यस सर। तो जैसे थंडर के इमीडिएटली बाद क्या आता है? रेन। तो सिमिलरली नाइट से पहले क्या आती है? डस्क। इवनिंग तो फिर पूरा टाइम हो जाता ना बच्चे इवनिंग का। यस सर। ठीक, yes, हम ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट्स व्हाई ये सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी कि अच्छा ये तो सारा सेम सा ही लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा जेन्युइन सा। कहता है एक रिलेशन है 80 और 30, इसको मैथमेटिक्स की तरह मत सोचो। सिमिलरली 36 किसको फॉलो करेगा? ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा स्टूडेंट ना इसको ऐसे भी कर ले, तो फिर वो लिख देते हैं 36 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 18, आंसर आ गया 60। अब चेक कर लीजिए, इसने इस चीज से बचने के लिए 60 आंसर ही नहीं दिया।
ये भी रिलेशन होगा कि 80 और 30 में क्या रिलेशन हो सकता है। रिलेशन क्रिएट करना, अगर हम रिलेशन क्रिएट करके तो आ जाए, देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 6, 30 आया बच्चे? यस सर। अब देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 6 कितना आएगा? 66। श्रेयास आपने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया था मेरे से पहले, यही लॉजिक था या समथिंग एल्स? सर सेम। चलिए तो फिर एक सेम और लगवाते हैं आप सबसे, सिक्स्थ नंबर पे। इसका क्या लॉजिक? सर सी पार्ट 0.010। बस देखो 0.16 इज डिवाइडेड बाय 100, तो सिमिलरली जब आप इसको 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कौन सा पार्ट आएगा? सी। सी पार्ट आएगा। तो कौन सा बताए? कट इट। यस सर। मैसेज किया करो, ठीक, कोई बात नहीं, गलत सही। अभी पोल नहीं मैंने शुरू किया, पोल भी हम शुरू करेंगे, फिर आपका इंडिविजुअली पता चलेगा। चलिए एक बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं बच्चे, मैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। अब हमने देखना है कि एज कर्म इज रिलेटेड टू लाइफ, तो हम एक सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द आंसर इन दिस स्टेप्स? डिजाइन एंड बिल्डिंग, कंसर्ट फिनाले, रेस एंड गोल, एंड लास्ट में क्या है? सर डिजाइन एंड बिल्डिंग होगा। कर्म और लाइफ को कैसे रिलेट करते हैं हम? सर लाइफ की फॉर्मेशन जैसे कहते हैं कि बंदे के कर्मा पे डिपेंड करती है, वैसे बिल्डिंग की फॉर्मेशन डिजाइन जो बना उस पे डिपेंड करती है। पक्का? नहीं, आपको ये आंसर कैसा लग रहा है? सब पेंटिंग और कैनवास होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर। रीजन लाइफ सब कर्मा लाइफ का पार्ट है, सब वैसे कैनवस का पार्ट होगा पेंटिंग। पेंटिंग ठीक। अब देखो गोल रेस का पार्ट, फिनाले कंसर्ट का पार्ट, बिल्डिंग का पार्ट, डिजाइन, ठीक, डिजाइन तो अभी बनाने लगे ना हम कि ऐसा होगा। यस सर। ठीक, तो इसका जो बेस्ट, अच्छा बच्चे मैं आपको बताऊं, वैसे इन दोनों में सिमिलैरिटी है तो इसीलिए हम इनको कर रहे हैं कि आपको बेस्ट चूज करना है दोनों में। चलिए एक और आते हैं, अलेवेंथ आई, ये तो आप जानते ही होंगे, लॉयर एंड लिटिगेशन। लिटिगेशन मीनिंग जानते हो ना सभी? यस सर। क्या होगा फिर इसमें? सिंपल सर, लिटिगेशन का मीनिंग से मेरे को पता है, मतलब जो हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे सर, टू टेक अ लीगल एक्शन इन अ कोर्ट, मतलब किसी के ऊपर लीगल एक्शन करना, उसको लिटिगेशन बोलते हैं हम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है बट एनी हाउ, अच्छा हमें कई चीजों के मीनिंग भी देखने पड़ेंगे। वेरी गुड, चलो गेस ही करो।
सर बी पार्ट मीनिंग पता है इनका सब पिलेज का पता है सब राउडर तो शायद वो लोग होते हैं जो लाइक रेड वगैरह करते हैं ये पिलेज... सब पिलेज होता है लूट किसी चीज को लूटना यस सर तो फिर इसका बी आना चाहिए बच्चे पिलेज का मतलब होता है किसी चीज को लूट लेना ठीक वेरी गुड और उसके पहले जो आया है ये वो लोग होते हैं जो लूटने के लिए पहले इधर उधर क्या करते रहते हैं घूमते रहते हैं रेकी करते रहते हैं समझ रही है कि पहले उसको देख के आते हैं कि यहां पे हम चोरी कर सकते हैं अब इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या होगा अब जैसे देखो वकील क्या करता है लिटिगेशन करता है ठीक अब जैसे क्या होगा पिलाज तो लूट होगी कि लूटना जो लूटने वाले लोग होंगे उनको हम क्या बोलते हैं इस फॉर्मेशन में अच्छा कितने लोगों को इस चीज का मीनिंग पता था सब मेरे को पता था मरोडर का नहीं पता था ठीक इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है बच्चे वो डिक्शनरी मीनिंग है वन हु रोम्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेकिंग अटैक एंड रेड्स इन सर्च ऑफ प्लंडर ठीक हम क्या बोलते हैं अभी इनको नॉर्मल लैंग्वेज में जो लोग ऐसे घूमते रहते हैं अटैक करने के लिए अपराधी बोलते हैं उनको सर लुटेरे नहीं बोलेंगे हाँ लुटेरे यस करेक्ट वर्ड लुटेरे ओके चलिए कम ऑन टू नेक्स्ट वन है ना बढ़िया रीजनिंग यस सर 12 गुड का बैड फ्लोर फ्लोर ये तो बिल्कुल ये तो सभी को आना चाहिए चलिए आगे चलते हैं बुरो रैपिड बुरो बुरो ठीक वेरी गुड इजी वाले आगे आते 14 सर एंटीक्विटी सर डिस्कवरी मीनिंग क्या होता है ये किसी की आवाज आई थी बीच में भी कोई पूछ रहा था मेरे से कुछ सर नोबिलिटी का सर मीनिंग क्या होता है सर नोबिलिटी का अनोखा अनोखा ओल्ड से रिलेट कर रहा है तो न्यूनेस किससे रिलेट करेगी सर डिस्कवरी सर एंटीक्विटी एंटीक्विटी का मीनिंग क्या होता है सिंपल सर एंटीक्विटी एंटीक वर्ड से बना है जैसे सब कोई पुरानी चीज बट काफी यूनिक चीज है तो उसका न्यूनेस से तो रिलेट नहीं कर रहा देखो नॉवल्टी हमने कहा था अनोखा अनोखा और यहाँ पे क्या आ गया ओल्ड ठीक यहाँ है न्यूनेस यानी नया सर डिस्कवरी भी तो नई और अनोखी हो सकती है डिस्कवरी भी नई और क्या हो सकती है अनोखी हो जाती है अब फिर से देखो इसका एंटीक्विटी भी कॉमन वर्ड ठीक बट इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है डिस्कवरी ठीक चलिए एक हो गए अच्छा ये अल्फाबेट्स वाले तो उसी फिगर वाली फॉर्मेशन में आएंगे अब ना थोड़े से डिफिकल्ट मोड में जा रहे हैं और डिफिकल्ट मोड आई थिंक अब थोड़ी सी साइंस भी इन्वॉल्व होगी ही सेड पोल इज रिलेटेड टू मैग्नेट पहले तो हमें इस चीज को देखना है बच्चे कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें अब हमें बताना है कि व्हाट वी विल फिल इट हियर Is related sir, to terminal. 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 Very good. मेरे पास पहले ही आंसर आ गए थे अभी तो मैं तो बोल ही रहा था ठीक चलिए थोड़ा सा और चलते 19
अच्छा इस बार आंसर नहीं बोलना, मैसेज करो। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दीपक, वेरी गुड। गौरव वेरी गुड। अंशुमन ग्रेट। नूर श्रेयास। चलो कौन करेगा, दीपक से पूछते हैं बच्चे, कैसे रिलेट किया बच्चे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बनाना क्या है, फ्रूट है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे? और सर काऊ सर एक मैमल है। काऊ एक क्या है? मैमल है। ये बीच में किसी ने स्नेक लिखा हुआ है, स्नेक को क्या बोलते हैं वैसे हम? रेप्टाइल्स में आता है। ठीक, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? काऊ आएगा। चलिए 20 में आते हैं। ग्रेविटी। पहले 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 मैसेज मैसेज चलिए इसका तो आंसर आपने बता ही दिया था। देखो पहले तो मेरे को ये बताओ, हाउ यू रिलेट आइस टू कोल्ड? कि फिजिकल क्वालिटी आइस इज कोल्ड। वेरी गुड। मतलब हम बोल सकते हैं कि आइस में, आइस की एक प्रॉपर्टी है या आइस हैज अ कोल्डनेस। सिमिलरली अगर हम यहां पे चलें अर्थ में, तो वेट फॉरेस्ट सी, ये थोड़ा सा उतना कोरिलेट नहीं होता, जितना क्या होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी उसके साथ क्या करेगा? कोरिलेट करेगा। ओके यस सर। चलिए और पाते हैं बच्चे, अब थोड़े से मैथमेटिकल, चलिए एक और कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। 24 मैसेज 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 वैसे ये तो सबको आ ही गया होगा, आप ऑप्शन लिख दो तो भी कोई बात नहीं, ए बी सी डी ऐसे लिख दिया मैसेज पूरा लिखने की बजाय। वेरी गुड। देखो आर्टिस्ट क्या बनाता है? ड्राइंग। सिमिलरली वोकल म्यूजिक कौन बनाएगा? वोकलिस्ट। ठीक 25 में इसको मैथ की तरह नहीं सोचना, ठीक है, या सोच भी सकते हो, बस रिलेट करो उसको कि ये ऐसे रिलेट हो रहा है। करें देखिए, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एंड 84 कैन बी रिटन एज 3 पावर 4। सिमिलरली आइए दूसरी तरफ क्या लिखा है, 64 4 क्यूब 2 एंड 3, नीचे क्या आएगा फिर सर? 625। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिक्स टू फाइव। गॉट इट? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए अब आइए 26।
रिलेट कैसे करोगे, बस ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दीपक, रंजू, ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वायर, कट इट, थर्टी सेवन सिक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट देखिए, फोर्टी नाइन सेवन स्क्वायर, तो नीचे क्या होना चाहिए, एट स्क्वायर प्लस वन, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, सिक्सटी फाइव। चलिए एक और बनाते हैं, ट्वेंटी सेवन, ये उससे भी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पहला है बच्चे, नाइन फाइव एंड वन, इट इज रिलेटेड टू फोर्टी, और हमने उसी पेयरिंग में क्या करना है बना। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि ये हम कैसे सोचेंगे कि इस तरह से हमारे पास आंसर जा भी सकता है। तो देखते जाइएगा हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, ठीक, या किस तरह से इसको कोरिलेट करेंगे। पहली वैल्यू क्या है आपके पास, नाइन फिफ्टी वन है, ठीक। अब देखिए, नाइन माइनस फाइव किसके इक्वल आया, फोर, सॉरी जस्ट वन मिनट, नाइन फाइव वन, इससे शुरू किया हमने, नाइन माइनस फोर किसके इक्वल आता है, फाइव के, जस्ट वेट बच्चे, नाइन फाइव वन, नाइन माइनस फाइव किसके इक्वल आता है, फोर के। अगर आप आगे देखेंगे जिसमें हम जा रहे हैं, फाइव माइनस फोर किसके इक्वल आता है, वन के, ठीक। और आगे अगर हम चलेंगे तो फोर माइनस, नेक्स्ट के मैंने क्या लिखा है, फोर किसके इक्वल आता है, जीरो। अब देखिए कौन सा ऐसा है जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, सर डी ऑप्शन, एट माइनस फोर किसके इक्वल आ रहा है, इसको देखो जरा, फोर माइनस जीरो किसके इक्वल आ रहा है, फोर के, और सेवन माइनस थ्री किसके इक्वल आ रहा है, फोर के। तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे बच्चे, अब जो आपने डी कहा, देखिए फाइव माइनस वन किसके इक्वल आ रहा है, फोर के, बट वन माइनस वन किसके इक्वल नहीं आ रहा, फोर के इक्वल नहीं आ रहा। गॉट माई पॉइंट, यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कोई लॉजिक नहीं था,
बट हम उसी फॉर्मेशन के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, पार्ट बनेगा। चलिए अब थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम से निकालता हूं, सिंपल लॉजिक में आता हूं। 30th क्वेश्चन, सिंपली है बच्चे, दैट इज डिड, कैसे लगाया बच्चे? मंडे के 5 डे बाद कौन आता है? सैटरडे। सैटरडे तो थर्सडे के 5 डे बाद कौन आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे आएगा, बस दैट्स ऑल। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक, वेरी गुड। आई पता नहीं आप में से कितने के बच्चे को ये चीज पता होगी, बट एनी हाउ चलिए 31। सर मटन रोस्टर चिकन, सर ये उल्टा लिखा है, रोस्टर चिकन मटन शीप होना चाहिए इसको। हाँ, आप गलत पकड़ गए इसको, रूस्टर एंड चिकन वाले को। ध्यान से देखो इसने क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे 31, तो यू विल सी दैट पोर्क इज अ मीट ऑफ पिग। पिग सिमिलरली आगे क्या होता है? So, mutton is a meat of sheep. Sheep. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे वाला 32। Sir, edit text. Sir, edit and text. Edit text. फिर से देख लो एक बार, फिल्टर क्या करता है? वाटर में से क्या निकालता है? इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज निकालता है। तो अब इसको बेस्ट कैसे के साथ कोरिलेट करोगे, एडिट और टेक्स्ट के साथ? नहीं सर, सर सेंसर और प्ले। यस, इसको किसके साथ प्ले करेंगे, क्योंकि सेंसर भी क्या करता है, प्ले में से क्या निकालता है? सेंसर का मतलब ही क्या होता है, उसमें से जो भी गलत वगैरह होगा उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, कर देना। बट एडिट टेक्स्ट में, एडिट तो कुछ और भी हो सकता है बच्चे, एडिट का मतलब हमेशा इंप्योरिटी निकालना थोड़ा होता टेक्स्ट में से। यस, एडिट का मतलब तो उसका फॉन्ट चेंज करना, डिजाइनिंग करना, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, एडिट में आ जाता है ना। यस सर। तो इसका बेस्ट जो क्या होगा, सेंसर प्ले, सेंसर एंड क्या बनेगा, प्ले बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। चलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा जंप कर रहा हूं, 35 नंबर क्वेश्चन। बस आप थ्रस्ट और स्पीयर के बीच में बना लो, सर स्पीयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, एक बार आने दो सबको। इनमें यही चीज है बच्चे, आपको ये चीज देखनी है कि इसमें मीनिंग क्या होता है, मीनिंग। अच्छा, एक चीज कोई भी करवाने की जरूरत नहीं है, जब आप पेपर देंगे तो उसमें मल्टी लैंग्वेज होता है, ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज और भी होगी आपके पास।
थोड़ा सा आपको स्पीयर एक्सप्लेन, मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा, सब भाला कहते हैं ना जिस चीज, भाला कहते हैं ये चीज, आप समझ गए? यस सर। ठीक, अब आइए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जो स्पीयर है इज यूज्ड फॉर थ्रस्ट, सिमिलरली जो आपका एरो है, सॉरी सिमिलरली ठीक, स्पीयर में क्या यूज की जाती है बच्चे? थ्रस्ट, और एरो किस में आता है हमारे पास? एरो के आगे भी तो लगा होता है ना छोटा सा एक? यस सर। तो सिमिलरली स्पीयर में भी, भाले में भी आगे क्या लगा होता है? थ्रस्ट या आयरन का जो भी मटेरियल लगा होता है, सिमिलरली एरो में लगा होता है। अच्छा, बो को आप किस फॉर्मेशन में ले रहे हैं आई डोंट नो, बट ये दोनों में क्या है, इस तरह की क्या आएगी, सिमिलरिटी आती है। चलिए अब इस वैन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? व्हाट इज वैन? एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर इन द 35th क्वेश्चन, ये गलत नहीं होगा? लाइक स्पीयर हम थ्रस्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बो जो है वो एरो को कैरी करता है, थ्रस्ट कैरी नहीं करता है स्पीयर को, इसका कुछ और नहीं आना चाहिए? एक मिनट दोबारा से बोलो फिर। सर जो स्पीयर होता है वो थ्रस्ट करने के लिए यूज होता है, लाइक उससे जो मारते हैं उसको थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, स्पीयर इज यूज्ड फॉर थ्रस्ट, लेकिन जो एरो है वो बो जो है वो एरो को कैरी करता है, लाइक बो में डाल के एरो को हम हिट करते हैं, बट वो किसी हिट करने के जैसे नाम को कुछ और कहते हैं, तो ये फिर रिलेशन गलत नहीं है? इसके नियर अबाउट कोई और रिलेशन है? सब फैन सर इपी। ये तो बड़ा अलग हो जाएगा, नहीं सिमिलर बो एंड एरो ही आ रहा है, इसी के साथ जाएगा, इसीलिए रिलेशन वाले क्वेश्चंस कई बार थोड़े से क्या हो जाते, कंट्रोवर्शियल हो जाते, ठीक है, ज्यादा मीनिंगफुल। ठीक, ओके सर। हाँ जी, 36 में आइए बच्चे। इस चीज का मीनिंग पता है सबको? यस सर। सर का सर क्या होता है? लैकिंग कलर को वैन बोलते हैं। और लैकिंग फ्लेवर को इनसिपिड। तो दोनों हो गए ना? ज्यादा एक्चुअली ना क्या है, इसमें ज्यादातर जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश होती है उससे थोड़े से टफ वर्ड यूज किए जाते। ठीक, चलिए अब ये तो आप सबको आता होगा, इजी वाला है। सर सीड। सीड सर सीड सीड सर सीड, वेरी गुड। इसमें तो आई थिंक किसी को नहीं दिक्कत थी। अब आओ, अब ये भी इजी आ गया। सर एंकल। एंकल एंकल यूज होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये भी बहुत इजी होगा, सर ऑयल। थर्टी नाइन, हाँ बिल्कुल 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 सर ऑयल। हम देखो पता है ये कैसे रिलेटेड? सर ये ऐसे रिलेटेड है क्योंकि काव डायरेक्ट बटर नहीं देती है, काव मिल्क देती है और फिर उससे बटर बनता है, वैसे ही मस्टर्ड इनडायरेक्टली ऑयल लेता है और डायरेक्ट सीड देता है। तो फिर हम उसमें क्या लिखेंगे?
ऑयल ऑयल ठीक, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। इंजन इंजन इंजन। फूड से क्या चलता है? स्टमक। और फ्यूल से क्या चलता है? इंजन। अब ट्रक मत बोल देना ठीक है ना। और प्लेन किससे चलता है? सब प्लेन भी फ्यूल से चलता है। फ्यूल से चलता है, फ्यूल से चलता है, उसका कोई नाम होता होगा शायद, स्पेशल टाइप का फ्यूल होता है कुछ। सर वो जेट फ्यूल होता है, बट उसमें से 95% केरोसिन होता है और 5% कुछ और केमिकल्स। चेक कर लो बच्चे, मेरे को तो लगता है प्रोपेनॉल होता है उसमें। सर जैसे हमारे साइंस की बुक में 8th क्लास में पढ़ा था, तब वहां सिंपल लैंग्वेज में लिखा था कि केरोसिन होता है मेजरली। चलो इसको रिसर्च करेंगे ठीक है। यस सर। केरोसिन भी प्योरेस्ट फॉर्म है। एविएशन केरोसिन लिखा हुआ है, लाइक गूगल पे सर्च करें तो। केरोसिन ही लिखा हुआ है? यस सर। चलिए तो उसमें जो प्रोपेनॉल बोलते हैं मेरे ख्याल उस फ्यूल को, बाकी साइंस वाले टीचर से हम कंफर्म कर लेंगे ठीक। चलिए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल्फ पता नहीं आपने खेली होगी या नहीं, बट ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब गोल्फ को कब जीता जाता है? लाइक जब बॉल होल में चली जाती है। होल्स में जब बॉल चली जाती है। बिल्कुल ध्यान देंगे सर, इनिंग्स सर, बेसबॉल का सर इनिंग्स होगा। बिल्कुल इनिंग्स होती है बेसबॉल में ठीक। खेली तो मैंने भी नहीं कभी, पर सुना है कि इनिंग्स होती है उसे, जैसे क्रिकेट में होती ठीक सर। 5 इनिंग्स होती है। अच्छा, और फिर जो सबसे ज्यादा इनिंग जीत गया वो जीत जाता है? यस सर। चलिए 43 लीडर डॉक्टर किसकी हेल्प लेता है बच्चे? नर्स की। फॉलोअर किसकी हेल्प लेता है? सॉरी, कौन फॉलोअर की हेल्प लेता है? लीडर। क्योंकि एम्प्लॉयर के फॉलोअर नहीं होते, यूनियन के फॉलोअर नहीं होते, वर्कर के फॉलोअर नहीं होते, मैनेजर के फॉलोअर नहीं होते, फॉलोअर किसके होते हैं? लीडर के हो ठीक। और ये रहे आपके पास आपके इन 50 क्वेश्चंस के आंसर्स। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया है बच्चे ठीक, जब ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार विदाउट सीइंग द आंसर क्या करके देखिए, ट्राई करने को ट्राई कर।